फर्स्ट गेम मैं जीत गया हूँ, इरफान हार गया। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिल गया जिसको अभी हम लोग एक विजिट करने जा रहे हैं। जो हम जी ये रेस्टोरेंट हमारा सर्विस सेंटर में है जी, सिपन बाइट के नाम से। बेसिकली ये रेस्टोरेंट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बेस्ड है और पाकिस्तान में इसकी ये फर्स्ट ब्रांच है सर्विस सेंटर में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन खालिद और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं बैरियर टाउन। तो आज का प्लान ऐसे था कि हम लोगों ने मूवी देखने जाना था मौला जट। मूवी नहीं देखने, ऐसे ठुटे खाने जाना था। इतना रश में यार ले गया और मेरा माइंड है भाई मूवी आप तब देखें, मैं तब देखता हूँ जब दो तीन हफ्ते गुजर चुके होते हैं आराम से कौन से अकेले बैठ के, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो यार हम लोग गए हैं लेकिन हम लोगों को टिकट नहीं मिला हाउसफुल था और हालांकि आज मंडे है। आप गया, मैं नहीं गया। नहीं तुम भी मॉरल सपोर्ट के लिए साथ तो हालांकि हम मंडे था फिर भी टिकट नहीं मिला, ये अजीब बात है। और उसकी एक मुझे लगता है कि खास वजह ये कि पूरे पिंडी और इस्लामाबाद में सिर्फ एक सिनेमा है जिधर जो ये मूवी जो है ना वो प्ले कर रहा था, बाकी किसी सिनेमा में नहीं लगी हुई। तो ये मेरे ख्याल से कोई शायद इन्होंने हाइप क्रिएट करने के लिए ऐसा किया है, क्या वजह है अब ये नहीं बेहतर पता होगा। तो खैर आज तो हम लोग नहीं देख सके लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम इसको स्केच भी करेंगे। हसन को कह रहा था हसन आपको फ्री दिखाऊंगा, हसन को जो हो रही है कि 700 रुपए लगाने, फिर मैंने कहा चल मेरी टिकट भी तुम्हें तो फ्री। यार अभी उसकी हाइप क्रिएट हुई है, वो चीज फ्री मिलती है मुझे, फिर हम क्यों पैसा भर। आप लोग बताए मुझे कोई चीज आपको फ्री मिल रही है आपको उसमें पैसा भरना चाहिए नहीं ना। और फ्रांस का पॉइंट ऑफ व्यू कि यार वो क्राउड में जो देखने का मूवी अच्छा मजा नहीं आता, हालांकि क्राउड में ज्यादा अच्छा मजा आता है क्योंकि वो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे क्योंकि वो एक हूटिंग होती है ना जब मूवी एक ऐसा सीन है। आपको जिन्याकी दिखाते हैं, मेरा ब्लॉग भी देखते हैं जिन्याकी का। हां ये फान लेम ने है जिन्याकी देखे। जापानीज फूड अगर कोई खाना चाहता है फाइन डाइनिंग की बेमिसाल, फाइन डाइनिंग से मुराद द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड, तो लिंक डाल देगा डिस्क्रिप्शन में होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं टेबल टेनिस खेलने तो वहाँ आपसे मुलाकात होती है। अच्छा जी यार मैं जब भी कोई चीज़ यूनिक देखता हूँ और कलरफुल देखता हूँ मुझे फौरन एकदम से मेरी सेंसेस स्पाइडर सेंस की तरह खड़ी हो जाती है। और मैंने इनका एक कलर देखा, ठीक है हेलमेट का कलर देखे यार, वैलेंटिना रॉसी वाला ब्राइट कलर, आपको अंधेरे में भी दूर से नजर आएंगे। ये अभी बताएंगे हेलमेट कॉस्ट कितना करता है, मैं सुन के एक दफ़ा हिल गया। करंट प्राइस जो इसकी जा रही है वो 25K है। लेकिन ब्लूटूथ वाला है तो लोग आप इसके साथ इंटरकॉम भी है साथ सारा कुछ वो, लेकिन ये सेपरेट है इंक्लूडेड नहीं। 25,000 के ऊपर है ये जी, ये अपनी है, इसमें आप जितना 8,000 का लेना चाहते हैं 16,000 20,000 40,000 इसको चार्जिंग टाइम भी होता है या ये फुल टाइम ऑन रहता है क्या सीन है? ऑन ऑफ ऐसे बटन होता है okay, लेकिन मैंने इसकी जो बैटरी लाइफ अभी तक चेक की है, सस्ता वाला अभी लगाया हुआ है okay, क्योंकि 2% होते हैं हम तो ज़्यादा होते नहीं, ठीक है। तो इसकी तकरीबन कॉन्स्टेंट मैंने इसको चलाया है 6 से 7 घंटे लगातार फुल वॉल्यूम पे, ठीक है। टेस्टिंग मैं इसकी जब कर रहा था ना, ठीक है, तो 6 से 7 घंटे आराम से ये जो अगर आप इस पर म्यूज़िक भी सुनना चाहें तो वो म्यूज़िक फुल वॉल्यूम पे म्यूज़िक मैंने लगा के छोड़ दिया था। अच्छा एक वो ऑडियंस को मेरी बता दें कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कौन से इसमें आपके? ECE सर्टिफाइड है, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है और फिर एक DOT आता है, ठीक है। तो ये ECE सर्टिफाइड है, ECE थोड़ी सुपीरियर है DOT से, ठीक ठीक ठीक। DOT सिर्फ होती है कि उसको सिर्फ एक साइड से क्रश करते हैं, ठीक है। ECE ये होती है इसके सारी साइडों से क्रश करके और पास ना हो, फुल बंद कर सकते हैं जस्ट फॉर द व्यू। एक ये देखिए, इनके साथ मैच किया है हेलमेट के साथ और पूरी तैयारी के साथ देख रहे हैं, ये सारी मेरे अपने हाथ की है। हमें यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिल गया जिसको अभी हम लोग एक विजिट करने जा रहे हैं जो कि रूफ टॉप पर है, तो जाकर चेक करते हैं क्या चीज़ है। रूफ टॉप पे रेस्टोरेंट है, तो हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में जो कि टॉप पर है। सीढ़ियाँ बड़ी चौकस बनाई हुई यार इन्होंने, ये आगे क्या नाम है इसका, सिप एंड बाइट। तो ये देखो गाइस यहाँ से आप लोग व्यू देख सकते हो, पूरा आपको बैरियर टाउन का व्यू आ रहा है।
अच्छा सर, हम यूट्यूबर्स हैं, फूड ब्लॉगर। अगर आप लोग यहाँ पर सुबह के टाइम आते हो तो आपको एक काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। अच्छा जी, मेरी हाइट 6 फीट है, मैंने बड़ी दफ़ा इसको क्रॉस चेक भी किया। यस, आई एम 6 फीट टॉल। बहुत कम होता है कि मुझसे भी कहीं लंबे इंसान मिलते, तो अभी आपको देख के मैं लग रहा हूँ मैं 5 फुट का हूँ। ठीक है नवीद साहब, हमें मिले। नवीद साहब का एक रेस्टोरेंट है सिप एंड बाइट के नाम से, सिविक सेंटर में, बहरिया रावलपिंडी सिविक सेंटर में। और नवीद साहब का जो एक इखलाक था ना मिलने का, वो मुझे चीज़ बहुत पसंद है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये रेस्टोरेंट हमारा सिविक सेंटर में है जी, सिप एंड बाइट के नाम से। बेसिकली ये रेस्टोरेंट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बेस्ड है और पाकिस्तान में इसकी ये फर्स्ट ब्रांच है सिविक सेंटर में। तो इंशाल्लाह हमारे फूड की क्वालिटी और हमारी एटमॉस्फेयर, हमारा रेस्टोरेंट और इस पर बैठने की जगह बहुत ज़बरदस्त है। आप कभी विजिट करें और आप बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे रेस्टोरेंट के ऑनर, तो इन्होंने हमारा अच्छा काफ़ी अच्छा टेक केयर किया और हमने इनसे बात कर ली। इन्होंने कहा कि यार आप किसी स्पेसिफिक दिन आ जाइए। उधर पहुँच गए थे जब हम लोगों ने आना था, यानी कि टेबल टेनिस। अच्छी लाइन है, आपकी लैंग्वेज कितनी गलत है यार। जो तुमने करवाया वही बताओगे ना। तुमने एंजॉय किया ये, तुम याद करोगे आज के से 10 साल बाद के किसी ने तुम्हें एंजॉय कराया था। तो हम आ चुके हैं टेबल टेनिस यहाँ पे है बैरिया टाउन में। वो किधर है ये? इरफान का दोस्त है यहाँ पे है ना? नहीं वो छोड़ के लगता, तो मेरे सारे दोस्त है चौकी। तो दोस्त है ना, देख तुझे किधर से पकड़ के लाता हूँ मैं। ये आ गया टेबल टेनिस और इधर ये पूरा गेमिंग लॉन्च ही है। ये क्लैश एंड कॉफ है, ये असली की दुकान है। टेबल टेनिस थोड़ी है। वो क्या लिखा हुआ है गेमिंग लॉन्च? तो ये देखिए क्या लिखा है, इसका नाम है क्लैश एंड कॉफ गेमिंग लॉन्च। दिस इज द गेमिंग लॉन्च, यू कैन सी यहाँ पे टेबल टेनिस है। ये नंबर वन टेबल, ये रहा दूसरा टेबल, ये आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे इनका कंसोल पड़े हुए, ये आई थिंक PS4 है। और ये देखें पूरा इन्होंने सेटअप रखा है, सिर्फ प्ले स्टेशन में रखी हुई। ये आई थिंक रेस्टर रिंग है और ये सेट रॉलेंस की डमी पड़ी हुई है, ये बैटमैन है, ये PS5 है ना, और ये PS5 है। इन्हें लगे हैं टेबल टेनिस। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। पांच और दो, पांच मेरे हो गए, छः दो। फर्स्ट गेम मैं जीत गया हूँ, इरफान हार गए। तो हम लोगों ने अभी खेला टेबल टेनिस, तो एक गेम मैं जीतता हूँ, दो ये जीत गया। मैंने कहा चलो यार गेम होती है भाई, एक गेम यार वो बचा तो रोना शुरू हो गया। तो मैं कहा चल जा तू जीत जा यार, इसको हरा दूंगा, ये आएगा नहीं फिर, ये मैं टेकन में भी तुझे इस तरह दाना डालूंगा। वो उधर रोना शुरू हो गया, मैं कहा चल जा तू जीत जा यार कोई बात नहीं। चलो जीत, इसको जीतने देते हैं वरना रोना ना डाल देते। अभी हम लोग आगे हैं सदर फूड स्ट्रीट के ऊपर और हम लोग बैठे हुए हैं ये बूम बूम हॉट एंड स्पाइसी में। हम लोग अभी मेन्यू देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर करना है, क्योंकि सुबह से नहीं शाम से पहले और काफ़ी देर हो गई है और अब जो है ना एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। अभी कुछ खाएंगे तो जान में जान आएगी। बड़ा मेन्यू यार, जब हम लोग यहाँ पर जब भी आते हैं ना तो मेन्यू पढ़ते पढ़ते ही जो है शाम हो जाती है। तो यार अभी एक बच्चा मेरे साथ आया, उनके साथ एक आंटी थी ये, तो ये कुछ सामान यहाँ पर बेच रहे हैं ये यहाँ पर सदर में। तो इसमें ये है कि मुझे पहले लगा शायद ये कुछ मांगे, मैं इनको पैसे देने की कोशिश की, इन्होंने बिल्कुल मुझे इनकार कर दिया और इन्होंने कहा नहीं आप मुझसे कुछ चीज़ बाय कर लें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये अपना काम कर रही है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो मेरे हस्बैंड का कारोबार ख़त्म हो गया, हमारे घर में कोविड से पहले कोविड आ गया था। ओके तो तकरीबन 3-4 साल हम इसी तरह रुलते रहे, कुछ समझ नहीं आती थी क्या करें,
मैं भी जॉबलेस, इनके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड भी जॉबलेस। तो फिर इस स्ट्रीट का पता था, हम यहीं के लोग हैं, सदर के ही लोग हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने वर्किंग शुरू कर दी। आई तो मैं मेहंदियाँ लगानी थी, मैं ब्यूटिशनर भी हूँ। तो कोविड में मेरा ये सारे काम, मैं ट्यूशन घर पे करी थी, सब ख़त्म हो गया। तो फिर आपका गुजारा हो जाता है? कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वो आपकी बात, बेटे सोना चांदी सब देखा अपने घर में, सब कुछ। मैं वेल ऑफ फैमिली से हूँ। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप ग्रेजुएटेड हैं, तो आपने जॉब वगैरह ढूंढने की कोशिश की है वैसे? मैं एक्स टीचर हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ। अच्छा अच्छा, आप टीचर जी। शादी के बाद छोड़ दिया था क्योंकि बच्चे और घर इग्नोर हो रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने फिर भी घर पर ट्यूशन्स की, फिर भी घर पर पार्लर का काम। मैं आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा, मैंने अच्छा। बेटे घर पे ये कैंडल वर्किंग, ये जितना आर्ट्स का काम है मुझे आता है। यहाँ अगर आप आएँ तो ये इधर फूड स्ट्रीट के ऊपर ही होती हैं, तो इनसे चीज़ें बाय कर लिया करें, तो इनकी हेल्प, इस तरह के लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें। इसी तरह के लोग हैं जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपना काम खुद कर रहे हैं और अपने हालात चला रहे हैं। तो गाइस, हमारा खाना आ चुका है, तो तिक्का है, ये आप लोग देख सकते हो। मुझे कच्चा लग रहा है। नहीं, कच्चा नहीं, लाल नहीं। तो अब हम लोग अपना खाना खाएंगे। 12:30 हो गए हैं और इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। खाना खाते हैं उस, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।